नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस विषय में आपको एक हम ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि जैसे कि कई बार ये जीवन में स्थिति घटती है, कहते हैं अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो कोर्ट केस अथवा जेल भी करवा देती है। ये संयोग की बात है और बड़े दुख की बात है कि अगर आपके हाथ में ऐसा है तो आप इस चीज से बचते चले और या उस चीज से हमेशा सावधान रहें। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, हमारे एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है और इसी तरह से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है और इसी तरह से हमारी हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में बताती है। आज हमने बताई है बात कि क्या आपको कोर्ट केस होने वाला है या जेल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले कोर्ट में जाने का जो संकेत होता है या थाने में जाने का संकेत होता है, अगर आपके मंगल का क्षेत्र, ये मंगल का क्षेत्र है, इसको हम मंगल का क्षेत्र बोलते हैं, मंगल का पर्वत, ये उच्च का मंगल का पर्वत होता है, उच्च मंगल का पर्वत होता है। और इस क्षेत्र में ऐसी खड़ी लाइनें, जितनी खड़ी लाइनें होंगी उतनी आपकी परेशानी आने वाली है, या तो कोर्ट के चक्कर काटेंगे या थाने के चक्कर काटेंगे, ये उस चीज का संकेत बताती है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें अपने हाथों में, एक ये हमारी जीवन रेखा, के साथ ये मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर ये लाइन है, ऐसी क्रॉस की लाइन है, ऐसी हो और ऐसी हो, मिल जाती हैं, ऐसे लोगों को 3-4 महीने के लिए जेल अवश्य होती है। ये 3-4 महीने के लिए जेल हो जाती है। मकसद कुछ भी रहा हो, पर ऐसी रेखाएं कई बार देखा और पाया भी है। और कोर्ट केस कब होता है? कोर्ट केस जब हमारी जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा से एक रेखा ऊर्ध्वमुखी रेखा निकले और उसको एक रेखा ऐसी काट दे, इसको आड़ी रेखा, इसको काट दे, इस समय के समय पर आपको कोर्ट में मुकदमा हो जाता है। अगर जितनी बार काटेगी ये आड़ी रेखाएं उतनी बार आपको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि लंबे समय तक लोग जेल में चले जाते हैं। अब लंबे समय तक जाने के लिए हमारे जीवन रेखा पे उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब ये जीवन रेखा के ऊपर जब भी आप देखेंगे एक वर्गाकार बन जाएगा, और ये वर्गाकार के बीच में आने वाली जब भी एज का आप आकलन करेंगे, जब तक ये एज इसके बीच में चलती रहेगी, जब तक आप किसी बिना हवादार रहित या तो काल कोठरी में बंद रहेंगे या जेल में बंद रहेंगे, उस चीज का संकेत बताता है। और इसके इसके साथ ये हमारी जो फेट लाइन है जिसको हम भाग रेखा कहते हैं, ये मस्तिष्क रेखा से जाके ऐसी मुड़ जाए, ये भी जेल में बंद होने के चांस बताती है। ऐसे लोग
कई बार ये वाली जो वर्गाकार है, 10-15 साल के लोगों को आपने देखा होगा जेल होती हुई, तो ऐसा चिन्ह पाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो जीवन रेखा है, और जीवन रेखा कई बार इस हमारे चंद्र पर्वत के क्षेत्र को घेर लेती है, ज्यादा डिसबैलेंस कर देती है, उसके उसके ऊपर आक्रमण कर लेती है। ऐसे हम कह सकते हैं ये जो चंद्रमा का क्षेत्र से बीच से हमारी जीवन रेखा आती है, उसके गुणों के ऊपर भी वो प्रभावित कर देती है। संयोग से क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं चरित्रहीन हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी तरह से आरोप लग जाता है। ये ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ये बिल्कुल सीधी हो, थोड़ा सा ऐसी हो। चरित्रहीन का मतलब किसी पराई स्त्री का साथ ऐसे केस में फंस जाना जो कि उनको भी जेल को दिखाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।